गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का दिसंबर महीना का मैगजीन पढ़ रहे हैं। दिसंबर महीना का अंतर्राष्ट्रीय सीरीज का हम लोग 5 टॉपिक आज देखने वाले हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सीरीज का पहला पार्ट है। राष्ट्रीय कंप्लीट हो चुका है, उसको आप देख सकते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या है कि मालदीव में विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मुइज़ू नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। मालदीव में अभी निर्वाचन संपन्न हुआ है, चुनाव संपन्न हुआ है और मोहम्मद मुइज़ू नए राष्ट्रपति बने हैं। ये पीटी के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मालदीव हमेशा चर्चा का विषय बना रहा है आजकल की घटनाओं में, ठीक है ना। तो मोहम्मद मुइज़ू नए राष्ट्रपति बने हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। दूसरी बात है कि जो मोहम्मद मुइज़ू हैं, ये जो हैं वो चीन का प्रबल समर्थक है। चीनी विचारधारा के प्रबल समर्थक हैं, चीन का प्रबल समर्थक हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दिया था कि यदि वो सरकार बनाते हैं तो चीन का इन्वेस्टमेंट मालदीव में बढ़ेगा और मालदीव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें चीन का योगदान भी बढ़ेगा। यानी कि यदि मालदीव में इनका सत्ता आता है, जो कि आ चुका है, यानी कि मोहम्मद मुइज़ू सरकार बना चुके हैं मालदीव में, तो क्या होगा, अब चीन का हस्तक्षेप बढ़ेगा यहाँ पर, इसका इन्वेस्टमेंट आएगा और बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर चीन की योजनाएं लागू होंगी, जो कि भारत के लिए थोड़ा एक चिंता का विषय है ना। क्योंकि मालदीव का झुकाव अगर चीन की तरफ हो जाए तो निश्चित ही भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत इसे निश्चित रूप से अपने रणनीतिक स्तर से इसको कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। आगे देखते हम लोग, अफगानिस्तान के भारत स्थित दूतावास ने काम करना बंद कर दिया गया। तो भारत के नई दिल्ली में अफगानिस्तान का दूतावास है, वो अब बंद हो चुका है। बंद होने का 3 कारण बताया गया है। पहला कारण क्या है देख लीजिए। पहला कारण है भारत का असहयोग। जो दूतावास के ऑफिसर हैं वो बताएं कि भारत सहयोग नहीं कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा, स्टाफ की कमी। तीसरा, संसाधन की कमी। तो ये 3 बातें हैं जिसके कारण अफगानिस्तान का दूतावास भारत में बंद हो गया। जैसा कि हम लोगों को पता है कि लगभग 2 साल पहले अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया, अब वही वहाँ सरकार चला रहा है। लेकिन भारत अभी तक तालिबान की सरकार को मान्यता प्रदान नहीं किया है। अब सरकार को चूंकि मान्यता प्रदान नहीं किया है, जिसके कारण ये जो दूतावास था उससे भारत का संपर्क थोड़ा दूर हो गया है ना, थोड़ा कटकट सा गया। इसका मुख्य कारण वही था। तो फिलहाल ये दूतावास अभी बंद हो गया है। आगे देखते हैं क्या होता है, इस पर क्या कार्रवाई किया जाता है इसको फिर से खुलवाने के लिए, क्योंकि निश्चित रूप से अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है ना, और उसका एक महत्वपूर्ण भागीदारी है। चलिए आगे देखते हैं। भारत कनाडा संबंधों में खटास। आजकल हम लोग न्यूज में हमेशा सुनते रहते कि भारत और कनाडा के बीच में संबंधों में हमेशा खटास आ गया है, उतार चढ़ाव का दौर उससे गुजर रहा है, बयानबाजी का दौर चल रहा है ना, कि उधर से कुछ भारत विरोधी बयान दे रहा है, भारत से कनाडा विरोधी बयान दिया जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है, देखिए इसका मुख्य कारण है कि कनाडा में खालिस्तान संबंधी आंदोलन चलता रहता है, जो भारत के विरुद्ध में होता है ना, भारत के विरुद्ध में होता है। इस आंदोलन पर कनाडा सरकार नियंत्रण नहीं लगाता है, एक तरह से कहा जाए तो सपोर्ट ही करता है, खालिस्तान आंदोलन को सपोर्ट ही करता है, क्योंकि भारत के संप्रभुता के लिए, भारत के लिए अखंडता के लिए ये घातक है, ठीक है। तो इस कारण भारत और कनाडा के बीच में तनाव चल रहा था।
लेकिन अभी हाल ही में एक खालिस्तानी समर्थक संगठन है, उसका नाम है क्या है, KTF यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स, लिख दे रहे हैं। देखिए, खालिस्तान समर्थक एक आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उसका नाम क्या है, KTF। देखिए, KTF यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स, ठीक है। ये जो संगठन था, इसका एक मुख्य सरगना था, सरगना को बोल सकते हैं या फिर मुख्य आतंकवादी बोल सकते हैं, सरगना, उसका नाम क्या था, उसका नाम था हरदीप सिंह गुज्जर। निज्जर, ठीक है ना, हरदीप सिंह निज्जर, इसका मर्डर हो गया कनाडा में। क्या होगा, हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद कनाडा सरकार ने इसका इल्जाम, इसका मर्डर का इल्जाम भारत पर लगा दिया है कि भारत की खुफिया एजेंसी ने इसको कनाडा में मरवा दिया है। भारत ने भी कनाडा के ये इल्जाम को स्वीकार नहीं किया और कनाडा के विरुद्ध में कुछ कुछ बयान वो भी जारी कर दिया गया। इससे क्या होगा, दोनों यानी कनाडा और भारत के बीच का जो संबंध में खटास का दौर से चल रहा है, अब दोनों देशों का प्रयास है कि इसको फिर से कैसे समान किया जा सकता है, किया जा सके, यानी कनाडा और भारत के संबंधों को फिर से कैसे समान किया जा सके, इसके लिए दोनों के तरफ से प्रयास जारी है, ठीक है। तो मुख्य कारण यही था संबंधों में खटास होने का, ठीक है। तो इन सब बातों को बहुत अच्छा से समझ के रखना है कि आपको इंटरनेशनल रिलेशन यानी IR का जब प्रश्न आएगा तो उसमें ये सब नॉलेज को, ये सब कंटेंट को आप डाल सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, क्या पूछेगा, कोई नहीं जानता है। आपके पास कंटेंट रहेगा तो आप उसको इंटरलिंक कर दीजिएगा। जैसे अभी हम लोग अफगानिस्तान वाला पढ़ेंगे, अफगानिस्तान का दूतावास बंद हो गया, उसका क्या असर पड़ेगा, है ना, भारत की विदेश नीति पर। अभी कनाडा वाला पढ़ लिए हम लोग, तो कनाडा का जो अभी रिलेशन चल रहा, भारत कनाडा का जो रिलेशन चल रहा, खटास का दौर चल रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत की विदेश नीति पर, है ना। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है, इन सब कंटेंट को याद रखना है और उसको इंटरलिंक करने का प्रयास करना है कि इन सब बातों का कैसे प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव, न्यूट्रल प्रभाव, जो भी हो कैसे पड़ेगा, इसको अच्छा से समझ के रखना है और लिखने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले तो हमें कंटेंट समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर मैटर क्या है, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर इंटरलिंकिंग का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर इसका फायदा उठा पाइएगा आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग, भारत चीन कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 20वां दौर संपन्न हो गया। देखिए, भारत और चीन के बीच में आप हमेशा सुनते रहेंगे कि सीमा पर तनाव चलता रहता है, लेकिन तनाव चलता है लेकिन गोलीबारी नहीं होता है। कभी धक्का मुक्की हो जाता है, वो भी रेयर केस में, लेकिन कभी गोलीबारी नहीं होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए बॉर्डर है, इधर चीन है, इधर भारत है, ठीक है ना। इस बॉर्डर पर मान लीजिए किसी तरह का, किसी प्रकार का विवाद है, या वो विवाद फिर क्या हुआ, तनाव का कारण बन गया। तो इस तनाव को कम करने के लिए कोर कमांडर स्तर की वार्ता होती है, कोर कमांडर स्तर की वार्ता। ये नहीं कि तनाव को कम करने के लिए गोलीबारी करने लगे और तनाव को बढ़ा दे, वो नहीं होता है। कोर कमांडर स्तर की वार्ता होती है, यानी कि एक इधर से एक ऑफिसर रहेंगे, वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे, और उसका एक टीम रहेगा, ठीक है ना। इधर से वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे और उनका टीम रहेगा, और दोनों स्तर, दोनों मिलकर एक चुनिंदा स्तर पर जाकर, मीटिंग करेंगे, है ना। वो मीटिंग करेंगे और ये विवाद का कारण और विवाद को सुलझाने का प्रयास बातचीत के द्वारा करते हैं, कि मतलब कि टेबल पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं और विवाद को सुलझा देते हैं। तो ये होते रहता है, हमेशा ये होते रहता है। तो अभी वही बात बता रहा है कि भारत चीन के कोर कमांडर स्तर की वार्ता 20वां दौर संपन्न हुआ है। ये जो 20वां दौर हुआ है मीटिंग का, वो चुसुल मोल्डो में हुआ है। चुसुल मोल्डो कहाँ है, तो लद्दाख के पास जो LAC है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख के पास वहीं पर चुसुल मोल्डो है, वहीं पर ये मीटिंग, ये 20वां दौर संपन्न हुआ है। तो इधर से एक टीम आया, चुसुल मोल्डो में गया, चुसुल मोल्डो कहाँ है, तो लद्दाख के पास, LAC के पास है, वहां पर दोनों जने बैठे, है ना, और विवाद के कारण, तनाव के कारण को शांतिपूर्ण तरीका से, रचनात्मक तरीका से
सॉल्व करने का दोनों एक दूसरे को आश्वासन दिए और उसके लिए प्रयास किए, ठीक है। तो बस ये वार्ता का दौर चलता रहता है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अगला टॉपिक क्या है, तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुह हसन की भारत यात्रा, है ना। तंजानिया के राष्ट्रपति हैं सामिया सुलुह हसन। तो पहले जान लीजिए कि तंजानिया कहाँ है। देखिए तंजानिया कहाँ है, आपको मैप पर हम दिखा दे रहे हैं। तंजानिया, तंजानिया यहाँ है, ठीक है, दिख रहा है। तंजानिया यहाँ है, यहाँ अफ्रीका में देखिएगा तंजानिया यही है, इसके नीचे मोजाम्बिक है, इधर मेडागास्कर है, ठीक है ना। तंजानिया यहाँ पर आइए, यहाँ का राष्ट्रपति भारत आइए, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो यही है तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुह हसन की भारत यात्रा। तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया के राष्ट्रपति अपने शिष्टमंडल के साथ भारत आए। ये लगभग 8 वर्षों के बाद कोई तंजानिया के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हैं, है ना। अब भारत की यात्रा पर आए हैं तो कुछ वार्ता भी होगा, है ना, कुछ व्यापारिक वार्ता, कुछ अंतरह का साझेदारी, इस पर भी बातचीत होगा। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो देखेंगे कि तंजानिया का समुद्र किनारे है, अब भारत का निचला हिस्सा तो खैर समुद्र से घिरा हुआ है ही है, है ना। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो तंजानिया और भारत के बीच में समुद्री सहयोग पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, यानी कि समुद्री व्यापार व्यापार समुद्री सुरक्षा नीली अर्थव्यवस्था है ना, नीली अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, इस पर ध्यान दिया गया है। इन तीनों बात पर ज्यादा ध्यान दिया गया है कि हम लोग समुद्री व्यापार को बढ़ावा करेंगे, यानी तंजानिया और भारत के बीच में समुद्री व्यापार कैसे बढ़े उस पर हम लोग बात करेंगे। समुद्री सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, जब सुरक्षा नहीं रहेगा तो व्यापार कैसे हो पाएगा, तो समुद्री सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। नीली अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था क्या होता है कि समुद्र का जो संसाधन है उसका अधिक से अधिक लाभ उठाना। समुद्र के अंदर पेट्रोल होता है, समुद्र में मछली होता है, समुद्र में बहुत सारा खनिज पदार्थ होता है, उसका उत्खनन कैसे किया जाए, इस पर काम किया जाएगा, ठीक है ना। दोनों देशों के बीच में ये समझौता हुआ है, दोनों देशों मतलब कौन, तंजानिया और भारत के बीच में ये समझौता हुआ कि हम लोग ये सब काम करेंगे। दूसरी बात भारत ने तंजानिया का बड़ाई भी किया है, स्वागत भी किया। किस बात को लेकर बड़ाई किया है कि तंजानिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और GBA यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में सहयोगी राष्ट्र बना है, मतलब उसका एक मेंबर बना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में सहयोगी राष्ट्र बना है, उसका एक मेंबर बना है। तो भारत बड़ा खुश हो गया है ना, क्योंकि भारत इसको बढ़ाना चाहता है, इस अलायंस को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। दूसरी बात है कि तंजानिया ने भी भारत का बहुत बड़ाई किया है। किस बात के लिए, कि जंजीवार में भारत ने एक IIT का स्थापना किया है। IIT इंस्टीट्यूट जाना है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ, तो वही एक परिसर का स्थापना कहाँ किया गया है, जंजीवार में। वहाँ अब वहाँ के बच्चों को, वहाँ के स्टूडेंट को अब टेक्नोलॉजी का शिक्षा मिलेगा, इंजीनियरिंग का शिक्षा मिलेगा। इसके लिए तंजानिया ने भारत का स्वागत किया है, भारत को धन्यवाद दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखते हैं कि हम लोग इस टॉपिक को, आज 5 टॉपिक को बहुत ही अच्छा से डिटेलिंग में समझे हैं। निश्चित रूप से आप लोग को ये लाभदायक सिद्ध होगा आने वाले एग्जाम में। तो अगला क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और इसका Part 2 क्लियर करेंगे, और उसमें 4 या 5 टॉपिक होगा, उसको ख़त्म करके इसको ख़त्म कर देंगे, है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।